जीवन के परम अभीष्ट में। भागवतकार बताते हैं कि वो जीवन की तृप्ति होती है। जैसे भोजन करके हम संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, और हमारी काया का पोषण होता है। तृप्ति, तुष्टि और पुष्टि, ये भोजन का प्रसाद है। हमारी काया तृप्त होती है भोजन से, किंतु हमारा मन, हमारा चित्त किससे तृप्त हो? जो प्राण है वो अगाध गहरी भूख से भरे हैं, तरस से भरे। वो तरस कहां जाकर तृप्त होगी? वो प्यास किसको पाके तृप्त होगी? ओस का पानी प्यासे उर की प्यास कभी भी हर ना सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर ना सकेगा। पीते पीते युग बीते पर रहे सदा प्यासे के प्यासे, मिट ना सकी उर प्यास यहाँ पर, प्यासे संतत गए उदासे। जल की जलन जलेगी जल से, जल जल धीरज धर ना सकेगा। जगपन घट के जल से पगले, तेरा मन घट भर ना सकेगा। लेकिन वो व्याकुलता तो प्राणों को पकड़ती है, वो व्याकुलता तृप्त होने की, रसा सिक्त होने की, रसा पलावित होने की। बस वहीं से भक्ति का पथ प्रशस्त होता है। लोग बड़े बड़े योग के साधन करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनका प्रदर्शन करते भी फिरते हैं, पर ये चमत्कार सिद्धियां नहीं है। सिद्धि है अंतःकरण का वासना रहित हो जाना। इससे बढ़कर कोई सिद्धि नहीं कि हमारा अंतःकरण विकार मुक्त हो जाए, हमारा अंतःकरण वासना मुक्त हो जाए। जिस अंतःकरण में ब्रह्म ज्ञान हुआ है उसमें वासना ना हो। किसी दूसरे को देखकर चित्त में बहुत तरह की कामनाओं का आविर्भाव होता है। ज्ञान प्राप्त करने में प्रवृत्ति होगी, लेकिन कब? जब अंतःकरण पवित्र होगा। परंतु हम देखते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी भी सामान्य लोगों के समान ही, अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी सामान्य लोगों के अनुसार की तरह विषय लौलुप हो, उसको वस्तुओं में, व्यक्तियों में, यश में, कीर्ति में, धन में रुचि हो, तो फिर उसे देख के ब्रह्म ज्ञान के लिए अरुचि पैदा हो जाती है चित्त में, कि ये भी कोई बड़ी विशेष स्थिति में नहीं है। हमारी तरह प्रपंच जगत में उलझी हुई इसकी चित्त वृत्ति। शास्त्र कहते हैं जो ज्ञान को उपलब्ध करता है वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। पदार्थों को, भोगों को उसे संग्रह करने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि उसके अंतर में अंतर तृप्ति आ जाती है। जैसे घटाकाश मठाकाश एक हो जाते हैं, ऐसे ब्रह्मी अनुभूति जो है वो बाहर भीतर को एक कर देती है। द्वैत विदा हो जाता है, अद्वैत सिद्धि हो जाती है। और भक्त को सिद्धि के लिए जप तप योगाभ्यास इसकी जरूरत है। भक्त तो कहता है कि मुझे तो मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, और कदाचित वैकुंठवासी मुझे तुम भी नहीं चाहिए, बस चाहिए तो तेरा प्यार चाहिए, तेरा प्रेम चाहिए, तेरी प्रीत चाहिए। क्या है उसकी सिद्धि? उसकी अंतर तृप्ति सिद्धो भवती, ईश्वर के समान ऐश्वर्यवान हो जाता है वो, ईश्वर के समान। दक्षिण के अंदर आलवर संत रहते हैं, आलवर परंपरा के महात्मा, कुटिया में बैठे हैं, बाहर बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम फुहारे धरती को धन्य कर रही हैं, बादल गरज रहे हैं,
और ये अपनी छोटी सी कुटिया में लेते हैं। मन में एक विचार आ गया कि अगर दूसरा साधु आएगा तो यहाँ दो जने के लेटने की जगह नहीं है। तो मन में आया कि अगर दूसरा साधु आएगा तो बैठकर भजन करेंगे। सोचा और दूसरा साधु आ गया कुटिया के अंदर। ये उठकर बैठ गए, उसको भी भीतर बैठा लिया। दोनों मिलके भजन करने लगे। फिर दोनों के मन में आया कि अगर तीसरा साधु आ गया तो तीन के बैठने की जगह नहीं है, खड़े होके भजन करेंगे। ऐसा सोचा, तीसरा साधु भी आ गया, तीनों खड़े होकर भजन करने लगे। फिर तीनों ने सोचा कि अगर चौथा साधु आ गया तो मन में आया कि गस के एक दूसरे के, सट के एक दूसरे के साथ साथ खड़े हो जाएंगे, भजन करें। और फिर चौथा साधु आ गया, उसको भीतर किया, सट के खड़े हो गए, गस के खड़े हो गए। इतने में तीनों को रोमांच होने लगा, शरीर का संस्पर्श पाकर आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, चित्त रोमांचित हो गया, कंठ गदगद हो गया। जब नजर भर के देखा तो वो चौथा साधु नहीं था, वो तो नारायण चतुर्भुज रूप में धन्य करने था। बात मन में आई, चौथा साधु आए, सिद्धो भवति। चित्त में आपके भावना जागृति हुई। परमहंस देव बोलते थे, लोग कहते थे ना सिद्धि सिद्धि सिद्ध होना, तो परमहंस देव कहते थे कि बलटोही में उबलते चावलों को मसल के देखो, अगर उसमें कण का ना रह जाए और अगर वो गले ना तो उसको क्या बोलते, चावल सिद्ध हो गया। क्या बोलते, वजूद भी समाप्त नहीं हुआ लेकिन अभिमान भी मिट गया। ये भक्ति का प्रसाद है। और संत का हृदय ऐसा ही होता है, वहां अभिमान रह नहीं पाता।